जिनके शरीर में विटामिन सी की कमी होती है उनके बाल टूटते हैं। जिन रोगियों के शरीर में सल्फर की कमी होती है उनको चमड़ी रोग होता है। बाल टूटने के बारे में मैं कहूंगा, आजकल के बच्चे नकली चीजें का ज्यादा प्रयोग करते हैं। यह देहात के बच्चे जब शहर में आ जाते हैं, कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, तब क्या होता है, वो तरह तरह की चीजें खाने की इच्छा करता है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। बाजार के अंदर जितनी चटपटी चीजें हैं उनके अंदर गलत चीजें मिलाई जा रही हैं। मेरे देशवासियों, आज चारों तरफ हाहाकार मची हुई है और एक व्यक्ति क्या करता है, कहता है मेरे बाल उड़ रहे हैं, मेरी तो उम्र ही थोड़ी है और मेरे बाल उठ गए हैं। चारों तरफ गंजे सिर वाले व्यक्ति ही दिखाई देते हैं। ये बातें हम आपको बार बार समझाते हैं और दिखाते हैं। बालों को रोकने के लिए दिसंबर से लेकर उत्तरी भारत में 15-20 या 15 मार्च तक आंवला होता है, आंवले का घी बनाइए। कई व्यक्ति गरीब होते हैं, कई व्यक्ति गरीब होते हैं, उनके घर में घी का प्रबंध नहीं होता। उन व्यक्तियों को हम बताते हैं, उन व्यक्तियों को समझाते हैं, उनको हम कहते हैं और बार बार उन्हें समझाते हैं। बार टूट जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है। बार टूटने के बाद वो गंजे और बुरे से दिखाई देने लगते हैं। उन व्यक्तियों को हम बार बार समझाते हैं, बार बार सिखाते हैं, तो आंवले को भून कर खा लिया करो। बार बार उन लोगों को हम कहते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, आंवले को भून कर खा लिया करें। ये उन गरीब व्यक्तियों की बात है जिनके घरों में घी या दूध या तेल नहीं है। जैसे आप आलू को भूनते हैं, इस तरह से आंवले को भून कर अच्छी तरह से खा लिया करें और खाने के बाद इसी आंवले को कूट करके, इसी आंवले को पानी में उबाल करके एक गिलास में 10 आंवले इस साइज के उबाल करके उनसे बालों को धो लिया करें। बालों को क्या कर ले, धो लिया करें और आंवले को अच्छी तरह भून कर खा लिया करें। तुरंत आंवला खाने के बावजूद, आपके शरीर में विटामिन सी पहुंचने के बावजूद आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे। कुछ व्यक्तियों के समय से पहले क्या होता है, बाल सीधे सफेद होना शुरू हो जाता है। मेरे देश के अंदर भृंग राज, इसका पूरा नाम है श्री भृंग राज, और इसके अंदर आंवला, कीकर की फली, कीकर का गूंद, लौंग भस्म किसी लोहे के बर्तन में डालकर रात भर के लिए छोड़ दें। छोड़ने के बाद फिर
फिर बाल उनके क्या होने शुरू हो जाते हैं, टूटने बंद हो जाते हैं, नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं। जो बाल सफेद हैं वो काले होने लगते हैं। दोबारा फिर सुनिए, जिनके बाल समय से पहले सफेद होते हैं, जिनके बाल झड़ते हैं, जिनके बाल कमजोर होते हैं, उन लोगों के लिए पेन उठाकर नोट कर लें। नंबर एक बरंग राज, पंसारी से आराम से मिल जाता। नंबर एक है बरंग राज, नंबर दो है आंवला, नंबर तीन के है कीकर का गोंद, नंबर अगला क्या है लोहे की बसम, लोहे का बर्तन उसमें 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए। इनमें तो एक औषधि है जिसका नाम है बरंगराज, और इसे आदर के साथ लोग कहते हैं श्री बरंगराज। श्री बरंगराज को अच्छी तरह से आप तोड़ोगे, तोड़ने के बाद दोनों सिरे हैं अच्छी तरह से क्या हो जाएंगे, किस तरह हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। आप देखिए जो पौधे तोड़ने पर काले हो जाते हैं, आपके ब्लड के अंदर लाल कोशिकाओं को इतनी ताकत देते हैं जो पहुंच कर आपके बालों की जड़ों में अच्छी तरह से क्या कर देते हैं, बालों को जो सफेद है उन्हें काला करना शुरू कर देते हैं। जंगलों में देखा है साधु और सन्यासी, उनके आयु के बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो लोग क्या करते हैं, जंगलों में घूमते हैं, न तो उनके पास नमक है, न उनके पास मिर्च है, न कोई मसाला है, और वो क्या करते हैं, जंगल में आग जलाकर आंवले को भून लेते हैं और खा लेते हैं। हमेशा उनकी दीर्घ आयु होती है और स्वस्थ होते हैं और उन्हें कोई भी बीमारी नहीं लगती और बाल नहीं टूटती। इसके साथ साथ आजकल बच्चे अपनी माँ के सामने शिकायत करते हैं, माता जी मैं क्या करूं, जब कंघी करता हूं तो उस वक्त मेरे बाल कंघे में काफी आ जाते हैं। उन लोगों को हम बताते हैं, उनको हम सिखाते हैं सर्दी के मौसम को छोड़कर आंवले का रस, जैसे आप तेल लगाते हैं इस तरह से बालों में लगाकर छोड़ दें, बाल सफेद होना बंद हो जाते हैं। आंवले को खाएं, अच्छी तरह से खाएं, दिन में कई बार खाएं। ये बातें हम आपको बार बार जानकारी देते हैं और इस तरह की जानकारी होनी चाहिए। जो संपन्न घर के व्यक्ति हैं उनके बात जरा नोट कर लीजिए, क्या आपके बाल तो नहीं गिरते? बालों के झड़ने से आप परेशान तो नहीं? जरा पैन उठाकर नोट कर लीजिए, 2 किलो गाय का घी हो, 2 किलो क्या हो, गाय का घी हो, 5 केजी आंवले हो, गैस पर ना हो, लोहे के कढ़ाई के अंदर 2 किलो घी डालकर मीठी मीठी आंच, ज्यादा तेज आंच ना हो, एक समय में 500 ग्राम इस तरह के पके हुए आंवले, पीले आंवले उसके अंदर छोड़ दें, और छोड़ने के बाद
मीठी मीठी आंच पर उसे पकने दें, और पकने के बाद जब आलू की तरह ये नरम हो जाए, अच्छी तरह से इन्हें निकाल कर, सबसे उत्तम तो है हल्दी, नमक, मिर्च मसाला, ये डालकर इसका अचार बना लें। अपने बच्चों को जरूर से जरूर आंवला खिलाएं, और रोटी पे रखकर दाल सब्जी में आंवले का घी का प्रयोग करें। आंवले का घी प्रयोग करने के बावजूद अच्छी तरह जब हम इसको प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल क्या हो जाता है, घी आपके बालों को नहीं जड़ने देगा। कई लोग कहते हैं हमें और भी जानकारी दीजिए। जैसे आप क्या करते हैं, जब आंवले का घी बनाते हैं, उसके बारे में पैन उठाकर नोट कर लें। जैसे आपने 2 लीटर क्या लिया है, गाय का घी लिया है, उसमें कम से कम आधा लीटर क्या डालेंगे, श्री भृंगराज का रस और आंवले डालकर कीकर का गोंद अच्छी तरह पानी में घोलकर उसको एक साथ घी में डालकर पका लें, साथ में आंवले भी डालते जाएं। माफ करना, गरम घी के अंदर आंवले का रस नहीं डालना है, जल जाओगे। भृंगराज का रस, अगर घी उबल रहा है उसके अंदर भृंगराज का रस डाल दिया तो क्या हो जाओगे, जल जाओगे। इन बातों को ध्यान रखने के लिए मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूं, घी हो 2 केजी और आंवले का रस हो 500 ग्राम, और भृंगराज का रस कितना हो, 500 ग्राम। जब उसको एक साथ डाल करके पकाना शुरू करोगे और उसके अंदर कच्चे आंवले डालोगे, तो घी और पानी आपस में उबलता रहेगा। पहली बात तो ये आंवले जल्दी पक जाएंगे, पहली बात तो आंवला ये जल्दी पक जाएगा, ये गलती ना करें। गरम घी के अंदर आंवले का रस या भृंगराज का रस ना डालें। बाद में आधा किलोग्राम आंवला डालकर अच्छी तरह से उसे पकाते रहें, पकाते रहें। जब यह पक जाएगा, पकने के बाद हल्दी, नमक, मिर्च मसाला अगर किसी मेहमान को देना है उसके लिए जरा ये नोट कर लें। क्या नोट कर लें, 20 ग्राम पीसी हुई हल्दी हो, 20 ग्राम लाल मिर्च हो, 150 ग्राम हो राई, 50 ग्राम हो कलौंजी, 50 ग्राम हो सेंधा नमक, 100 से 120 ग्राम हो काली मिर्च, 5-10 ग्राम हो, ये मसाला पीस करके आंवले के में मिलाकर छोड़ दो। इतना बढ़िया और स्वादिष्ट और पाचक पेट रोगों के लिए रामबाण औषधि है। धन्नो हो मेरे, अपने भारतवर्ष के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं।